हेलो, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो कैसे हैं आप? ओके, आप सब ठीक होंगे। तो आज हम निकल रहे थे अभी हम एक फोर्ट के लिए। एक पुराना यहाँ पे जो है फोर्ट है, तो वहाँ पे हम जा रहे थे। बट लेकिन हमने देखा गाड़ी का फ्रंट टायर जो है वो पंक्चर हो गया, तो हम पहले जा रहे हैं पंक्चर लगवाने, तो उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो अभी पहले चलते हैं, पहले लगवाते हैं गाड़ी का पंक्चर। तो अभी हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है पंक्चर ठीक करने के लिए। तो भैया अभी टायर में हवा भर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले हवा भरेंगे उसके बाद फिर चेक करेंगे। और ये देखिए हमारे राजकुमार जी उस कारू जी रेस्ट करते हुए, थक गए, बहुत काम किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैंने भी टायर में हवा भर दी है, पंक्चर मिल गया है। ये देखें इस छोटी सी कील ने किया हमें परेशान। देखें हमने अभी पंक्चर लगवा के निकल गए हैं हम किले की तरफ। तो हम पहले जाएंगे किले की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे पौराणिक शिव मंदिर। तो जैसे हमने आपको अपने पहले पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे जंगल तो है, बट लेकिन यहाँ पे आग का बहुत ही ज्यादा मसला है कि गर्मियों में आग लग जाती है। तो आप देख सकते हैं वहां पे पूरा जंगल के ऊपर आग लगी हुई है। कल पिछले ब्लॉग में तो हम रात में निकले तो हम दिखा नहीं पाए। तो यहाँ पे अभी गर्मियों में क्या होता है कि सब कुछ सूखा होता है, जंगल में सारे पत्ते गिरे होते हैं, तो आग बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। तो गर्मी भी इतनी होती है कि आग बस जंगलों के जंगल ही यहाँ पे बस कुछ मिनटों में ही तबाह हो जाते हैं। और इस तरफ जो है हमारा है भाखड़ा डैम, गोविंद सागर जी। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम आज रणजीत जी के किले की तरफ जा रहे हैं, तो वो रहा सामने, यहाँ से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो सामने अगर आपको कैमरे में वो दिखाए, तो वो अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है तो वो है भाखड़ा डैम। सामने भाखड़ा डैम है, तो इस तरफ है माता नैना देवी का मंदिर। तो ये रहा हमारा रणजीत जी का जो एक रेस्ट हाउस, एज रेस्ट हाउस यूज करते थे, छोटा सा उनका किला। तो आप देख सकते हैं व्यू चारों तरफ का, कितनी हाइट में है और उनको चारों तरफ का सारा वो देख सकते थे। तो आपको पता ही है जैसे किले ऊंची जगहों पे बनाया जाता था जैसे कि वो चारों तरफ नजर रखें। काफी अच्छा व्यू जो है यहाँ से दिखाई दे। तो ये जो है एक पिकनिक स्पॉट भी है, आप देख रहे बछरेटू पर्यटन विभाग, एक अच्छा प्लेस है ये भी, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हम कहाँ से निकलेंगे? Let's go.
तो भाई हमने भी किला फतेह कर लिया पर लेकिन सांसें फूल गई हैं भाई सबकी, देखे सांसें कैसे चढ़ी हुई हैं। हमारे बड़े भाई राजकुमार जी तो भाई उनका वजन पूरी तरह सांसें सांसें नहीं मिल रही बिल्कुल, काफी जो है ऊंचाई पे है, हाइट पे है ये मंदिर भी है, तो मंदिर भी है। तो हम आपको दिखाते हैं, अच्छी जगह है, देखने वाली जगह, मतलब हमें अपनी पुरानी संस्कृति जो है हमारे राजा महाराजा कैसे रहा करते थे, कैसे उनका जो था रख रखाव सारा कुछ, तो कुछ एक मतलब हमें यहाँ पे निशानियाँ जो है हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे आपको कैमरे में दिखाने की भी, आप देख रहे हैं भाई पसीना बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग हो रखी है, गर्मी भी है और ऊपर हाइट में भी है काफ़ी। तो आपको अभी हम बताते हैं कि ये देखें पुराना पीपल का पेड़ काफ़ी पुराना है कहते हैं ये, और अभी भी देखें बरकरार है। और ये है बोड़ी, पानी की बोड़ी, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी हालत में, बट लेकिन इसमें जो हम लोगों ने ही जो है जो किया हुआ है, देखिए प्लास्टिक की बोटल्स फेंकी हुई है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। तो भाई इसका इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे कई भाइयों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, शायद वो भूल गए थे कि वो कौन हैं, तो इसलिए उन्होंने लिख दिए होंगे। भाई इस चीज़ ऐसे मत क्या करो यार, ये हमारे हेरिटेज प्लेस हैं, तो ऐसे नहीं कर क्या करें। तो आगे चलते ये देखें, ये है मंदिर, पुराने मंदिर, लेकिन यहाँ के लोकल्स ने क्या किया हुआ है कि इसे पक्का कर दिया हुआ है, दीवारें देके फिर से इसके ऊपर शट डाल दिया। तो हम अभी यहाँ ऊपर हाइट में आ चुके हैं, तो यहाँ का जो नज़ारा है चारों तरफ वो देखते ही बनता है भाई, क्या सुंदर वादियाँ हैं, पानी। और ये जो किले की हाइट है काफ़ी ऊंची जगह पे है, और इनके यहाँ से जो हम नीचे देखते हैं तो काफ़ी हाइट है, और बस चक्कराने लगते हैं। यहाँ पे जो होंगे राजा के सिपाही या किलेदार यहाँ पे खड़े होते होंगे, चारों तरफ निगरानी रखते होंगे। यहाँ पे दूर दूर तक बिल्कुल साफ, काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ से जो है झील भी सामने, गोविंद सागर झील आप देख पा रहे हैं। तो ये बीच में बोट वगैरह भी चल रही है। तो सामने भाखड़ा डैम है, भाखड़ा बांध, गोविंद यहाँ से जाने का दिल तो नहीं करता बट लेकिन जाना पड़ेगा, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, तो अभी जाने का समय भी हो गया, तो अभी हम फिर से नीचे की तरफ चलते हैं। हम अभी फिर से वापस नीचे आ गए हैं, पोर्ट से नीचे आ गए हैं किले से। तो अभी हम शिव मंदिर, प्रिंस शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर, जो आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पे पौराणिक शिव मंदिर है क्योंकि काफी मान्यता है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी भाई काफी हाइट में है, गला भी सूख रहा है, प्यास भी लग गई, ऊपर पानी की टंकी थी बट लेकिन उसमें पानी नहीं था, तो अभी पहले तो पानी पियेंगे कहीं, बहुत ज्यादा सब प्यासे हैं। अभी देखिए वो फोटोग्राफी, फोटोग्राफ्स क्लिक किया उन्होंने, तो वो सारी फोटोग्राफी देख रहे हैं। तो अभी हम ये शिव मंदिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा नहीं बट लेकिन कुछ लोग यहाँ पे, ये भी पर्यटक स्थल है तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। तो सिर्फ नीचे की तरफ जाके है,
तो भाई हमने अभी मंदिर से वापस आ गए हम, तो आप देख सकते हैं काफी नीचे जाके था तो पसीना वगैरह सारे भाई लोग पसीना वगैरह काफी निकल गया। तो आज हम गए थे किले में, वहाँ पे भी काफी जाके अच्छा लगा। तो मंदिर गए, माता टेका, पौराणिक मंदिर है, उस मंदिर की काफी मान्यताएं हैं, काफी पौराणिक मंदिर है, काफी कहानियां जुड़ी हुई हैं उस मंदिर से। तो अच्छा लगा वहाँ जाके भी, वहाँ पे पानी है, पानी की बोड़ी है जहाँ से हमने पानी पिया, आपको दिखाया भी हमने। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, अभी हम प्रिंस को ड्रॉप करेंगे, फिर ये ब्लॉग हम आज के लिए यही बंद करते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नए एडवेंचर के साथ। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।